अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डेली लाइफ 360 में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीपीएससी ने फी डिपॉजिट का एक नया ज़बरदस्त तरीका मुतारिफ करवाया है। तो फी डिपॉजिट किस तरह की जाती है ऑनलाइन, इसका मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहले आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बताऊँगा, फिर आपको मोबाइल फ़ोन बैंकिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं। तो जो नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये मैंने HBL का ऐप जो है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन किया हुआ है। सबसे पहले आपने पे में जाना है। पे में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड न्यू, ऐड न्यू में जाने के बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे जाना है एक्साइज एंड टैक्सेशन पे। यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन में, और उसके बाद आपने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे PSID नंबर, जो कि आप अपनी जो भी एप्लीकेंट होगा, जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने लगेंगे तो आप सबमिट करने के बाद आपको एक PSID नंबर मिलेगा। वो हर कैंडिडेट का अलग नंबर होता है, तो वो नंबर आपने यहाँ पे पुट करना है। मैं भी अपना नंबर यहाँ पे पुट करने लगा हूँ। ये नंबर पुट करके उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये डिटेल फेच हो के आ गई है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अमाउंट, ये सिलेक्ट है क्योंकि 600 का चलान था तो अमाउंट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे फी डिपॉजिट हो जाएगी। ये था इंटरनेट बैंकिंग का तरीका। इसके अलावा आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू सबसे पहले आपको ऐप लॉगिन करने के बाद मोर में जाना होगा। मोर में जाने के बाद आपने पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑप्शन होगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन के बाद आपने गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब सेलेक्ट करके PSID नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस तरह आपकी फ़ी डिपॉजिट हो जाएगी और बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।